हाई स्टूडेंट्स दिस इज जेनिश कठाई फ्रॉम विजम कॉमर्स क्लासेज एंड स्टार्टिंग सम नंबर थ्री विच इज ऑन पेज नंबर वन नाइनटी थ्री सो अनिता सुनीता एंड कविता अवर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो टू 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 वन सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है या बैलेंस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउंड नाइनटीन इज एज अंडर सो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है अनिता सुनीता कविता सो ये कहाँ पर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी िटी एंड बैंक लोन लाइबिलिटी फिर असेट से जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट फर्नीचर डेटर्स ये सारे असेट में जाएंगे एज एट इज स्टूडेंट्स आर डी भी असेट में जाएगा बैंक अकाउंट में हम चेक करेंगे एडजस्टमेंट है या नहीं है और गूगल में भी चेक करेंगे एडजस्टमेंट है या नहीं है अगर एडजस्टमेंट होगा तो उनके अकाउंट बनाएंगे और नहीं होगा तो उसको एज एट इज असेट में डाल देंगे सो स्टार्टिंग मेंस्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड नाइन कविता डाइड तो टू थाउजेंड जुलाई सो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मे जून सो इस फाइनेंशियल ईयर में भी उसने तीन महीने काम किया है तीन महीने सर्वाइव किया है ओके okay, स्टूडेंट्स ये याद रखना हमें फर्स्ट वन ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड तो जब कभी ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड आएगा अब लर्न कर लो हमेशा हम क्या करेंगे आरडीडी को नील कर देंगे एंड रिवेल्यूशन क्रेडिट साइड बिकॉज हमारा नुकसान कम हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है सो आर नील और रिवेल्यूशन क्रेडिट साइड सेकेंड कंटिन्जेंट लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है सो so, अभी से हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है सो so, ये लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड जाएगा और तो बहुत बुरी बात है हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई सो रीवेल्यूएशन डेबिट साइड बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसिस थर्ड वन एन इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड इन द मार्केट एट टेन परसेंट प्रॉफिट अब इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है स्टूडेंट मार्केट के अंदर सो so, इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है सो क्रेडिट वॉट गोज आउट ये तो श्योर है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने वाला है हु इज इज द द रिसीवर रिसीवर बैंक बैंक में पैसे आने वाले हैं जब इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक इज द रिसीवर बैंक में कितने पैसे आएंगे टेन परसेंट एक्स्ट्रा आएगा सो थर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट एक्स्ट्रा कितना होगा थर्टी थ्री थाउजेंड सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट भी आएगा स्टूडेंट्स बिकॉज तीन हजार का प्रॉफिट हुआ है सो so, क्या करेंगे बैंक के डेबिट में डालेंगे इन्वेस्टमेंट को नील कर देंगे और 3, हम डालेंगे, one, Achha, को कर दिया, students, तो को पूरा नील कर देंगे और पैसे जा रहे हैं, हमने पे क्रेडिट so, में सो बैंक के क्रेडिट में और लोन को नील कर देना फिफ्थ वन लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिशिएटेड एंड फर्नीचर ओके okay, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है सो लेस फ्रॉम अट रीवेलशन डेबिट साइड नेक्स्ट सिक्स वन गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड फिफ्टीन थाउजेंड अच्छा स्टूडेंट हमें गुडविल ऑलरेडी असेट में दिया हुआ है टेन थाउजेंड तो अब हमने जब इसको रीवैल्यू किया और पांच हजार बढ़ गया सो गुडविल रेज हुआ है गुडविल बढ़ गया रेज हुआ है तो so, याद करो रिटायरमेंट में क्या एंट्री होती है गुडविल रेज की ऑफ द फॉर्म सो गुडविल टू ऑल पार्टनर आएगा स्टूडेंट्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर सो so, इसमें yes, सिर्फ गुडविल और ऑल पार्टनर रहेगा इट वॉज रेज इन द बुक्स सो गुडविल के डेबिट में और ऑल पार्टनर के क्रेडिट में सेवेंथ वन कविता वॉज एंटाइटल टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट तो कविता को हम उसका प्रॉफिट देंगे तीन महीने काम किया उसके बाद वो मरी है सो so, तीन महीने का जितना भी प्रॉफिट होता होगा उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स वो करके हमें जो अमाउंट आएगा उसको हम कहा लाएंगे स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और असेट साइड तो ये लर्न करना है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड क्यों बिकॉज शी इज अ क्रेडिटर टू द फॉर्म हमें उसे चुकाना है फॉर्म को चुकाना है और वो पैसा आज हमारे पास पड़ा है तो हमारे लिए वो असेट है सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड साइड एंड एंड फाइनली द अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स वर पेड पार्टनर्सिटल हमने जितना भी पैसा कविता को देना बाकी था वो उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया सो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी हु इज द रिसीवर कविताज द रिसीवर सो कविताज एग्जीक्यूटर डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा बिकॉज बैंक इज द गिवर हमारे पास से पैसे जा रहे हैं बैंक में से जा रहे हैं सो डेबिट होगा और बैंक के क्रेडिट में आएगा सो स्टूडेंट्स में बैंक और गुडविल दिया हुआ है वो दोनों बैंक के डेबिट में और गुडविल के डेबिट में आएगा दोनों के अकाउंट हम बनाने वाले हैं सो so, आइए अब हम करेंगे सम सम की शुरुआत थ्री पेज नंबर वन नाइन थ्री ऑफ आर टेक्स्ट बुक द नेम ऑफ थ्री पार्टनर्स अनिता सुनीता और कविता दिया हुआ है हमें दिस इज माई रिवेल्यूशन अकाउंट यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है ये हमारा बैलेंस शीट है ओके सो कविता वॉज डाइड ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई तो हमारा बैलेंस शीट भी क्या होगा एज ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन इज माई बैलेंस शीट और यहां पे बैंक अकाउंट बनाया है और यहां पे मैंने गुडविल अकाउंट बनाया है एंड दिस इज सम प्लेस फॉर माई वर्किंग नोट सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें कैपिटल दिया हुआ है सो बाय बैलेंस बॉट डाउन फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है मूविंग फॉरवर्ड क्रेडिटर्स सो क्रेडिटर्स कहां पर आएगा लाइबिलिटी में आएगा आई राइट ऑफ यूर क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है थर्टी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट बिल्स पेबल टू थाउजेंड रुपीज बिल्स पेबल रुपीज टू थाउजेंड एंड बैंक लोन एट थाउजेंड जिसमें एडजस्टमेंट है सम रुड राइट ऑफ यूर बैंक लोन एंड अमाउंट इज गिवन टू अस एट थाउजेंड रुपीज बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है सो so, हमने डिटेल कॉलम में लिखा हुआ है मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द असैड साइड सो एस यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिखा है सो यहाँ पे मिस्टेक है वाले हैं लैंड एंड बिल्डिंग ने उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग वर्ड यूज किया हुआ है सो लैंड एंड बिल्डिंग सेम अमाउंट यूज करेंगे एडजस्टमेंट so भी है फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है फर्नीचर एंड द अमाउंट इज गिवन टूर्स इन फर्नीचर रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट डेटर्स दिया हुआ है डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट और अमाउंट दिया हुआ है हमें स्टेटस में कितना अमाउंट दिया हुआ है द अमाउंट इज गिवन टू अस इज ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड मूविंग फॉरवर्ड बैंक का अमाउंट दिया हुआ है बैंक में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स सो हम यहां पे लिखने वाले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना हुआ है स्टूडेंट्स एट थाउजेंड टू हंड्रेड दिया हुआ ऑलरेडी आरडीडी वर्ड भी दिया हुआ है सो so ऑलरेडी हम एडजस्टमेंट में चेक कर लेंगे क्या करना है आरडीडी को एंड गुडविल वर्ड दिया है तो गुडविल का भी हमने अकाउंट बनाया हुआ है सो सिंस अकाउंट बनाया हुआ है so सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको भी नॉर्मल सेट की तरह करेंगे एंड द अमाउंट इज गिवन टू अस थाउजेंड रुपीज सो यहां पर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स हमने यहां पर हमारा बैलेंस शीट पूरा फिनिश कर दिया लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक ब्लैक पेन एंड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया ऑल द डेटर्स वर गुड डेटस टोट नील कर देंगे हम लोग आर डी नील करेंगे वो जीरो हो गया मतलब नुकसान कम होना तो ये तो बहुत अच्छी बात है नुकसान कम हो गया सो so हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे क्रेडिट इनकम एंड गेंस में लिखूंगा बाई आर लिखूंगा बाई आर अकाउंट एंड बाय आर डी डी अकाउंट अमाउंट कितना स्टूडेंट्स टूस इन क्वेश्चन एट हंड्रेड रुपीज मूविंग फॉरवर्ड अ अंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइब्रिटी मतलब क्या होता है जो फ्यूचर में ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है ऑब्वियसली लाइबिलिटी वर्ड है तो हम लोग उसको लाइब्रिटी में डालेंगे फॉर अ कॉम्पेंसेशन ऑफ नाइन हंड्रेड वॉर्ड प्रोवाइडेड तो मैं यहां पे लिखूंगा कम यहां पे मैं लिखने वाला हूं पूरा अच्छे से कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन लिखने वाला हूं और ये मेरी लाइब्रिटी है जिसका अमाउंट दिया हुआ है हमें कितना अमाउंट दिया हुआ है स्ट्रेंड नाइन हंड्रेड रुपीज अमाउंट दिया हुआ है So, इसीलिए मैं यहाँ पे नाइन हंड्रेड लिखूंगा अब लाइबिलिटी आना अच्छी बात है या बुरी बात है ओहो -oh -oh, बहुत बुरी बात है so, उसको डेबिट में लिखेंगे डेबिट और लिखने हंड्रेड रुपीज इसलिए डेबिट में आएगा और लाइबिलिटी में आएगा थर्ड इज इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन द मार्केट एट टेन परसेंट प्रॉफिट यस हमने इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा बेच दिया यहाँ पे लिखूंगा लेस सोल्ड पूरा सोल्ड करके कितना थर्टी थाउजेंड पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा नील हो जाएगा पूरा का पूरा बेच दिया तीस हजार का हमने इन्वेस्टमेंट लेकिन कितने पैसे आए कितने पैसे आए ओके बैंक इज अ रिसीवर कितने पैसे आए टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास तो मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओके तीस हजार रुपए का ओके लेट्स मेक द लेट्स मेक द स्टूडेंट्स हम क्या बनाएंगे यहां पर जनरल एंट्री पास करेंगे हु इज रिसीवर बैंक इज द रिसीवर बैंक इज रिसीवर और मेरे पास से क्या गया इन्वेस्टमेंट गया क्रेडिट आउट तो यहां पे मेरा का इन्वेस्टमेंट चला गया लेकिन कितने में बेचा टेन परसेंट ज्यादा सो बचा हुआ मेरे लिए प्रॉफिट क्या हो गया उसको क्रेडिट में डालेंगे बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बैंक इज द रिसीवर तो बैंक को डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट वार्ड गोज आउट और फाइनली तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया ये मेरा रियल अकाउंट हो गया और ये नॉमिनल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स सो so, बैंक में कितने पैसे है बताओ स्टूडेंट्स तो टोटल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज आए मेरे पास टेन परसेंट ज्यादा आया तो ये जो टेन परसेंट ज्यादा था थ्री थाउजेंड यह मेरे लिए प्रॉफिट था तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट और कितना आया मेरे पास थ्री थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा आया तो मैं यहां पे इसको लिख दूंगा सो मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा नील हो जाएगा बिकॉज पूरा का पूरा बेच दिया कितने पैसे आए थर्टी थ्री थाउजेंड आए टेन परसेंट एक्स्ट्रा है तो वो टेन परसेंट जो एक्स्ट्रा है उसकी मैंने एंट्री की थ्री थाउजेंड रुपीज बिकॉज इनकम को हमने पे ऑफ कर दिया तो यहाँ लेस करेंगे लेस पेड ऑफ लिखेंगे पूरा का पूरा एट थाउजेंड हमने पे कर दिया है तो यहाँ पे नील कर देंगे और पैसे चले गए क्रेडिट द गिवर बैंक इज द गिवर पैसे चले गए सो बाय बैंक लोन अकाउंट लिखू यहां पे बैंक में हमारे पास से पैसे चले गए बैंक लोन अकाउंट अमाउंट कितना आएगा पूरा एट थाउजेंड हमारे पास से पैसा चला गया सो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स बैंक इज रिसीवर बैंक लोन बैंक लोन इज रिसीवर और हमारा बैंक इज अवर ओके सो इसकी इसकी दो जनरल एंट्री ऐसे पास होगी सो ये पूरा नील हो जाएगा और हमारे पास एट थाउजेंड पैसे चले गए फिफ्थ वन लैंड एंड बिल्डिंग वेप्रीसिएटेड बाई एट हंड्रेड सो मैंने बताया था यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में सो लेस डेप्रिसिएशन करेंगे

डेप्रीसिएशन अकाउंट नाम देंगे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और उसके बाद क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स फर्नीचर सो टोटल कितना आएगा आठ सौ और ग्यारह सो आठ सो ग्यारह सो देट कम्स टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड हमारा अमाउंट आएगा ओके सो यहां पर हमारा एडजस्ट नंबर फाइव बी हो चुका है फिनिश गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड एट फिफ्टीन थाउजेंड ओके गुडविल बढ़ गया है हमारा गुडविल बढ़ गया है ओके okay, सो so हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे बढ़ना मतलब रेज होना कितने से रेज हुआ है फाइव थाउजेंड से रेज हुआ है ओके okay, स्टूडेंट्स तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी गुडविल को रेज हुआ है students. So हम यहां पे एंट्री मारेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट गुडविल टू ऑल पार्टनर ओके सो गुडविल टू ऑल पार्टनर तो गुडविल के अंदर हम लिखेंगे टू ऑल पार्टनर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से रेज हुआ है फाइव थाउजेंड रुपीज से रेज हुआ है हम तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे अनीता सुनीता कविता अनीता सुनीता कविता हमने रेज किया है फाइव थाउजेंड रुपीज टोटल फाइव थाउजेंड है तो चलो बताओ तीनों में कैसे डिवाइड करेंगे रेशियो क्या दिया हुआ है टू टू वन सो फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव करेंगे इंटू टू टू थाउजेंड टू थाउजेंड और वन थाउजेंड ओके तो स्टूडेंट्स गुडविल को हमने रेस किया हुआ है गुडविल के घर पे ऑल पार्टनर ऑल पार्टनर के घर पे गुडविल बाय गुडविल अकाउंट टू थाउजेंड टू थाउजेंड और वन थाउजेंड ओके इस में हमने राइट ऑफ नहीं किया है सिर्फ रेस करने को ही बोला है सो हमने सिर्फ और सिर्फ गुडविल को रेस किया है ऑफ द एंटायर फॉर्म सो इसलिए गुडविल टू ऑल पार्टनर आएगा दैट सेट और ये एंट्री भी सिमिलर टू हमारे रिटायरमेंट वाले चैप्टर से ही थी पूरा का पूरा से सम अब तक हमारा सिमिलरली रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है मूविंग फॉरवर्ड कविता टू टू गेट हर शेयर इन द द प्रॉफिट अप डेट ऑफ हर डेथ ओके सो सिमिलरली हमने जैसे लास्ट समय किया था स्टूडेंट्स हमें क्या करना है हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे यहां पे मैं वर्किंग नोट लिखूंगा और वर्किंग नोट के बाद मैं नंबर वन डालूंगा और मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्या नाम है स्टूडेंट इसका जो पार्टनर मर गई है नेम इज कविता सो कैलकुलेशन ऑफ कविता शेयर इन प्रॉफिट इन प्रॉफिट फ्रॉम कब से फर्स्ट ऑफ अप्रिल से हम काउंट करेंगे फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन टू कब ऑफ हुई फर्स्ट जुलाई को सो टू फर्स्ट जुलाई दैट मीन्स अप्रैल मे एंड जून पूरे तीन महीने ओके okay? So, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी वॉज एस्टिमेटेड टेन थाउजेंड तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना था टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना था स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में टेन थाउजेंड रुपीज सो so, हम कैलकुलेट करेंगे कविताज शेयर फॉर थ्री मंथ्स. कविता का शेयर लेकिन बस जस्ट और जस्ट थ्री मंथस के लिए सो टेन थाउजेंड इनटू कविता का शेयर कितना है कविता का शेयर है सो so, ये, ये, so, ये पहले वनजा करेंगे, so करेंगे और ये कितना हो जाएगा फाइव हंड्रेड रुपीज हो जाएगा सो ये स्टूडेंट्स दैट ओनली कम्स टू रुपीज हाउ मच दैट कम्स टू रुपीज फाइव हंड्रेड रुपीज हमें यहां पे फाइव हंड्रेड लिखूंगा ओके okay, सो so मैंने प्रीवियस समय भी बताया था जो पैसा उसको मिलने वाला है ओके okay, जो पैसा वो कैश वो कैश फाइव हंड्रेड रुपीज किस पास है फॉर्म के पास है, है बट उसका हकदार कौन है कविता सो so कविता इज अ क्रेडिटर वो हमारे फर्म के लिए क्रेडिटर है इसलिए उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे और हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था हमने यूज किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट तो सेम करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और फाइव हंड्रेड रुपीज और वो कैश आज की तारीख में बिजनेस के अंदर है तो हमारे लिए वो असेट है सो so, मैं सेम वर्ड यहां पे भी यूज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ओके प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट आएगा फाइव हंड्रेड रुपीज सो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था ओके दैट इज सेवेंथ वन वो भी कंप्लीट हो चुका है मूविंग फॉरवर्ड टू एट वन और एट वन में लिखा है द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर जो पैसा हमें कविता को देना है वो हमको उसको पे ऑफ कर देंगे ओके okay, तो जब हम कंप्लीट करेंगे जितना पैसा था उसको लोन में ना डालते हुए उसको पूरा ऑन द स्पॉट पे ऑफ कर देंगे नो no प्रॉब्लम सब हम सम को कंप्लीट करने की शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्या आएगा हम इस गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ये फॉर्म में अभी भी है हमने राइट right ऑफ नहीं किया है नहीं किया मतलब वो हमारे बैलेंस शीट में अपियर करेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन हम उसको अपियर करेंगे ये कहाँ चला जाएगा हमारे गुडविल में चला... हमारे एसेट में चला जाएगा यहां पे गुडविल वर्ड आएगा गुडविल फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज हम बैंक को फिलहाल क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज हमारा एडजस्टमेंट नंबर एट बाकी है सो लेट स्टार्ट विद दिस थिंग ये कितना होता है थ्री प्लस एट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड हो रहा है क्रेडिट साइड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड इज हैवी यहां पे भी आएगा थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड एट हंड्रेड ओके तो दैट कम्स टू ओनली वन थाउजेंड रुपीज और वन थाउजेंड रुपीज को हमें क्या करना है टू इज टू टू इज टू वन डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो 200 आएगा 400 400 और 200 सो सो दैट इज वॉट द अमाउंट इज वन टू थ्री तो यहां लिखेंगे ये क्रेडिट साइड हैवी है तो टू नेट प्रॉफिट आया जिसको हम ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम क्या है अनीता सुनीता कविता अनीता सुनीता कविता अनिता सुविधा यहां पर डेबिट में दिया तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ड्रॉड डाउन अमाउंट कितना है चार सौ चार सौ एंड दो सौ फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड टू हंड्रेड सो लेट्स क्लोज दिस नाउ लेट्स डू इट सबसे पहले कभी ताजा करेंगे टू थाउजेंड प्लस वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड यहां भी लिखेंगे ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड और यहां पे लिखेंगे ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ये कितना है 40, 42. So, 42, 400. 42, 400. यहाँ भी आएगा 42, इसको अलग से लाइन में लिखेंगे और यहाँ पाएगा फोर्ट थाउजेंड फोर हंड्रेड सो ये दोनों पार्टनर तो अभी भी हमारे अनिता और सुनीता है जो बिजनेस को आगे लेके जाएंगे ये दोनों हमारे अभी भी पार्टनर है टू बैलेंस डाउन लिखेंगे इसको डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम क्या है अनीता यहां पे अनीता नाम है और सुनीता नाम है ओके और सुनीता कितना फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड दैट कम्स टू एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड अब स्टूडेंट्स ये जो कविता का है देखो एडजस्ट नंबर एट में क्या बोला है अमाउंट ड्यू टू कविता जिसको उसको चुकाना बाकी है वो हम पे कर देंगे बाय एनईएफटी एनईएफटी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है सो so, हमने इसको पे किया है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ओके टू बैंक अकाउंट तो कविता के घर पे बैंक ट्वेंटी वन हंड्रेड तो बैंक के घर पे कविता बट कविता तो मर चुकी है स्टूडेंट्स तो यहां पे हम कविता वर्ड नहीं लिखेंगे कविताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखेंगे एग्जीक्यूटर्स ये पैसा किसको गया है अनताज एग्जीक्यूटर जिसको रिप्रेजेंटेटिव उसको गया है अमाउंट है ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो यहां पर हमारा एजेंस नंबर एट कंप्लीट हो चुका है जिसके दो इफेक्ट दिए हमने पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड और बैंक के क्रेडिट साइड उतना पैसा हमारे से चला गया है लेट्स लेट्स क्लोज दिस अकाउंट साइड इज हैवी सी हमारा डेबिट so कितना है इक्कीस ट्वेंटी हंड्रेड आएगा कुछ अमाउंट यस तो जीरो जीरो बारह में से सात गया तो कितना बचेगा पांच जीरो टेन में से नाइन गया तो वन थ्री थ्री में से टू गया तो दैट कम्स टू अप्रोक्समेटली इलेवन थाउजेंड कुछ अमाउंट स्टूडेंस इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा आ रहा है हम इसको कहा लिखेंगे अभी हमारे लिए शीट में जाएगा बैंक लिखेंगे और अमाउंट हम लोग लिखेंगे कितना स्टूडेंट्स इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज अब हम फाइनली बैलेंस को टैली कर सकते हैं हमारे सारे अकाउंट क्लोज चुके हैं मूविंग फॉर्ड द लाइबिलिटी साइड एटी फोर एट हंड्रेड एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ये कितना थर्टी प्लस टू तो दिस इज थर्टी टू एंड थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड जीरो जीरो नाइन प्लस एट सेवनटीन वन केरी सेवन एट इलेवन एक लाख सत्रह हजार सात सौ रुपए आ रहे लाख सत्रह हजार सात सौ लेट्स चेक दाइड नाउ पचपन हजार दिस इज फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये कितना है चौदह नौ सौ तो चौदह नौ सौ ये कितना है बीस हजार आठ सौ बीस हजार आठ सौ ये पंद्रह हजार पंद्रह और ग्यारह छब्बीस छब्बीस और ट्वेंटी और ये कितना अगेन वन कैरी सिक्स सेवन टेन इलेवन तो एक लाख सत्रह हजार सात सौ यहाँ भी हमारा स्टूडेंट्स एक लाख सत्रह हजार सात सौ आ रहा है फिर so, यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको ऑनलाइन करेंगे क्लोज करेंगे फट से अभी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम डेथ और रिटायरमेंट चैप्टर मैं वापस बता रहा हूँ इज ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर चैप्टर हार्डली एक ही एडजस्टमेंट कुछ नया आ रहा है अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर हमें गुडविल के सारी एंट्री एग्जैक्टली exactly उसी तरह से करनी है जैसे हम रिटायरमेंट में क्या करते थे और कुछ भी चेंज नहीं करना है वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी है बोर्ड एग्जाम में भी प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिकली हमें वर्किंग नोट बताना है द इंटायर कैलकुलेशन शुड बी डम वेरी नाइसली सो यहां पर भी हम ऑनलाइन करेंगे स्टूडेंट्स डू नॉट फर्गेट टू लाइक द वीडियो आपके लाइक की काफी आवश्यकता है कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो वी विल श्योली रिप्लाई यू सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स थैंक यू बाय